जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको भी बाय हेमानी शान इल्म में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में, जिसके तीनों कंटेस्टेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और जाहिर है आज 27 रमज़ान मुबारक है, यौम आज़ादी पाकिस्तान है, जिस तरह 14 अगस्त मनाते हैं, हक है कि आज का दिन बिल्कुल वैसे ही मनाया जाए, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आज तो दो मुनासिबतें, जाहिर इतने मुबारक दिन अल्लाह ताला ने मुबारक वतन दिया है हमें, तो आज ज़रा हम क्विज के प्रोग्राम में भी ज़रा आपको वो वाला रंग नुमाया नज़र आएगा, लुत्फ आएगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। डब्ल्यू बी बहमानी शान इल्म, आप यकुम रमज़ान से सहर इफ्तार में देख रहे हैं। डब्ल्यू बी बहमानी की न्यू किड्स रेंज, वो सरप्राइज़ जिसका हम आपसे बहुत अरसे से तस्करा कर रहे थे, वो सरप्राइज़ बहुत जल्द आया चाहता है आपसे कुछ देर। आज बच्चों के सेगमेंट में हम बाकायदा तौर पर बताएंगे डब्ल्यू बी मेहमानी की न्यू किड्स रेंज। क्या नाम है? पीछे तो देखो न्यू किड रेंज, पीछे तो देखो, जो अहमद शाह साहब के साथ हमने लॉन्च की है, ये किड्स की एक कंप्लीट रेंज है, जिसमें नेचुरल शैम्पू, बॉडी वॉश, लिप बाम, सनस्क्रीन और पहली बार एक रोल ऑन हैंड वॉश भी शामिल है, जो बच्चों का शावर टाइम फन बनाएगा। इसके भी तहाइफ पीछे तो देखोगे, डब्ल्यू बी बाई एमानी की तरफ से पीछे तो देखो कि तहाइफ जाएंगे आप सबके साथ। जो आज का विनर होगा वो अपने साथ ईजी कलर की बाइक लेके जा सकेगा, ईजी कलर पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक कलर, ईजी कलर वन नेशन। जनाबे अली तीनों खैरियत से जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम आपका? सबा इदरीस। सबा इदरीस साहब क्या करती हैं? हाउसवाइफ। जबरदस्त, वेलकम टू द शो जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम? ज़ुहैब सिद्दीकी। क्या करते हैं ज़ुहैब भाई? मैं एलएलबी कर रहा हूं। एलएलबी, लवली, जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मानिया ज़ाहिद अली। क्या करती है मारिया? आई एम डूइंग बीएस साइकोलॉजी फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी। जबरदस्त, क्या बात है, वेलकम टू द शो। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों के मालूम है, पहला राउंड बजर राउंड है, सही जवाब पे प्लस 10, गलत जवाब पे माइनस 10, सही जवाब पर हम भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे इंशाल्लाह, और अगर जवाब गलत हुआ तो हम क्या करेंगे? वैसे तो मुकाबला तीन टीमों में होता है, लेकिन असल में मुकाबला दो टीमों में होता है, क्योंकि एक टीम तो पहले ही भाई बताते हैं कि ये मेरी टीम है, तो वो वैसे ही मतलब समझ रहे हो, तो देखते हैं कि आज वो वाली टीम कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम जी, राक्षस खैरियत से? बड़े अच्छे ड्रेसेस पहने हुए आज, ये क्या है जी? 27 रमजान इंडिपेंडेंस डे की मुनासबत से। अच्छा, आज बच्चों के सेगमेंट में हमने कल्चरल डे भी है, कोई बलोची कपड़े पहन के आएगा, कोई पंजाब, कोई पठान, है ना, ऐसी है ना, जबरदस्त। ओके, तो कौन सी टीम जो है वो मतलब बस अल्लाह माफ करे वाला मामला है? हाँ जी जी, बताएं बताएं। पहले तो इंशाल्लाह जीत जाएगी और दूसरी है ए ए ए टीम, ठीक है। नहीं नहीं, सी सी, तो अहमद तो सी नहीं ले रहा, अहमद की ए है, ठीक है। ओके ओके, आज अहमद और इनकी राहें जुदा हो गई हैं, उनकी टीम है ए और इनकी टीम है सी, और आपकी टीम कौन सी भाई जान? मैं फिर बी ले लेता हूँ। बी बची अब, ठीक है भाई, अब देखते हैं ए सी और बी। अच्छा, आपको ना कौन से अंकल ने बोला है कि टीम सी लेनी है? वसीम अंकल ने, वसीम अंकल ने, बस ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या होता है। ओके, एक दफा तालियां बजाते ताकि हम मुकाबले का बाकायदा आगाज कर सकें इंशाल्लाह। क्या ख्याल है, आज दिल चाह रहा है जरा आगाज ही कुछ जंबल वर्ड से कर लेते हैं, थोड़ी सी तरतीब उलट देते हैं, तो जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, एक मुल्क, इलाका, गली, मोहल्ला कुछ आएगा, बताइए ये कौन सा है, क्या नाम है इसका, दिखाइएगा जनाब। पहाँच जी, ये है पाकिस्तान में ही है ये जी भाई। चित्राल। चित्राल, बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, ओके, सी ने 10 नंबर से आगाज कर दिया, आपकी सी है। हाँ ओके ओके, अच्छा जी, अगली तस्वीर दिखाइएगा प्लीज, ये क्या है? ओके, मैं ऑप्शन देता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं हिंट दूंगा तो। हमारे लिए मुकद्दस तरीन शहर जी, समझे जी मैडम? मदीना। मदीना, बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, ठीक है, ओके, आखिरी दिखाइएगा, चाइना में है। यस सर, 5 4 3 हिरोशिमा। अरे ये है चाइना में, और हिरोशिमा कैसे बनेगा, ये शिंघाई था, ये शिंघाई, गलत हो गया जवाब, ताजियत कीजिएगा। ओके, कैसा सबको सांप सूंघ गया, खामोश हो गए सब हैं जी भाई। अभी अबू बकर की, यस 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 यस, अभी तो मुकाबला शुरू, सिफर है वो मेरी है। हाँ, अभी देखते हैं, जरा मुहावरा दिखाएगा, पहला मुहावरा कौन सा आ रहा है भाई, क्या है? अरे किसने बजाया? रोंगटे खड़े हो जाना। रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, आपका जवाब बड़ा है, ठीक है जनाब। वसीम वसीम, आप सवाल कीजिएगा, बिस्मिल्लाह। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो
पास बाईस के ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वाहिश के। बाबा ये नगमा जो है किस गुलकार ने सबसे पहले पढ़ा? जी मेहदी हसन। जवाब दुरुस्त। ऑल राइट, ठीक है। शायर का नाम नहीं पूछा। जी जी मैं बोले ऐ अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास परचम नबी का चांद सितारा अली का है। इस कलाम का मकता मकता पूछ रहे हैं। मतला सरनामा कलाम मेन टाइटल एक लाइन भी बता देंगे तो चलेगा। यानी आसान बात है कि कौन सा कलाम पढ़ा है इन्होंने? मंजर फज। जी मंजर मेरी निगाह में। जवाब गलत हो गया। गलत हो गया जवाब। हाँ शायर का नाम। जी पी नसीरुद्दीन नसी। जवाब दुरुस्त। जबरदस्त। ओके ए के 20 और बी के माइनस 20 और सी के 30। वाह भाई वाह, क्या बात है वसीम वसीम साहब। हाँ जी सवाल पीछे अभी तो शुरू हुआ है। हाँ मगाला जनाब जनाब मोहसिन भाई। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर कलाम के शायर का नाम जनाब कुछ ऑप्शन दीजिएगा। इस कलाम के शायर का नाम सैयद सबीउद्दीन सबीर रहमानी है या अदीब रायपुरी? जी सर सैयद सबीउद्दीन सबीर रहमानी। जवाब दुरुस्त है। ओके कारी मोहसिन साहब माइनस 20 से निकाल के माइनस 10 तक ले आए हैं टीम बी को। जनाब जुहेब भाई। दिलों में इश्क नबी की लगन अगर न लगे बाबा ये ऐसा सजदा है जैसे जमीन पे सर ना लगे। जहूरी मेरी दुआ तो यही है शाम सफर कि मेरे वतन को किसी की बुरी नजर ना लगे। इस कलाम के शायर का नाम बता सके तो मोहम्मद अली जहूरी। जवाब दुरुस्त। क्या बात है जबरदस्त भाई। ओके तो ए के और सी के नंबर्स हैं बराबर 30 और 30 और बी के हैं इस वक्त -10। यौम आजादी स्पेशल शान इल्म आप देख रहे हैं बाई WB बाई हिमानी ARY डिजिटल शान रमजान 2024 में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मुकाबले का भी आगाज हुआ है। ब्रेक के बाद बहुत सारे जबरदस्त सवाल आ रहे हैं इंशाल्लाह। जनाब यारी खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर WB बाई हिमानी शान एल में। यानी कि हमारे इफ्तार के माजरत क्विज मुकाबले में के जिसके तीनों कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है 30 -10 और 30। इजी कलर की बाइक आज का विनर लेके जाएगा। इजी कलर पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक कलर है। इजी कलर वन नेशन सिविसन की वॉच का तोहफा है रनर अप के लिए और WB बाई हिमानी की जानब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। पीछे तो देखो जो नई रेंज हमने लॉन्च की है बच्चों के लिए, पाकिस्तान में पहली बार इस तरह की रेंज मुतारफ़ कराई गई है और वो एग्जैक्टली क्या है, ये किस तरह सबसे मुख्तलिफ है, ये आपको आगे के सेगमेंट में बताएंगे इंशाल्लाह। जनाब 30 और 30 और -10 ये अब तक की सूरत हाल। एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर आएगी, वीडियो देखिए फिर सवाल करते हैं। दिखाइएगा जनाब। ओरिजिनल वीडियोज हैं मतलब जो बिल्कुल जो बाद में जाहिर है बहुत सारे लोगों ने गाया। अच्छा जी कोई बता सकता है ये कौन है? ओके ये सुहेल राणा है या जमशेद अंसारी है? जना जमशेद अंसारी नहीं सुहेल राणा है, ताजियत कीजिए। ये तराना लिखा किसने है, बशीर फारूक साहब ने या अल्लामा इकबाल ने? जी बशीर फारूक। जी सही जवाब। ऑलराइट ठीक है ओके
दिखाएं, अगली वीडियो दिखाएं। अगेन ओरिजिनल वीडियो है। इसका ये शेर सुनते हैं सवालात के बाद। ये कौन है जी? शहनाज बेगम। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जब मैंने कहा सबको याद आ रहा है तो मेरा इशारा उस वक्त मैं स्क्रीन में नहीं था, उबैद खान साहब के साथ है, वजाहत कर दूं मैं, ये ना बात मेरे पे ना आ जाए, उनकी बात कर रहा था भाई। अच्छा, और ये लिखा किसने ये तराना, ये बताएं, तराना लिखा है जमीलुद्दीन आली साहब ने या अल्लामा इकबाल साहब ने? ये ना बताए जी, जी जमीलुद्दीन आली जी, सही है जवाब। ऑलराइट, ओके, अब चलाते हैं, वहीं से चलाते हैं, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त भाई, बहुत सारी तालियां, क्या मार्केट ला रहा है, एक लेजेंड्स हैं, क्या क्या कराने, जबरदस्त। अच्छा जनाब, अगली वीडियो दिखाइएगा, फिर सवाल करते हैं जी। बहुत आसान सवाल है कि ये किसकी आवाज है, ए ने बजाया पहले जी मैडम, नूर जहां साहब की आवाज है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, ओके ओके। जरा दिखाएं अगला फ्रेम, उन्हीं का दिखाइएगा, कहीं से आगे चलाइएगा, हाँ बात है भाई, जबरदस्त, बहुत सारी तालियां भाई, वाह वाह वाह। इस्लामी तारीख के एतबार से नूर जहां साहिबा का इंतकाल कब हुआ था, किसी के जहन में है? यकुम रमजान या 27 रमजान, आज का दिन जी, यकुम रमजान ना, अरे गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए, 27 रमजान, आज 27 रमजान। असल नाम क्या था उनका जी? अल्लाह वसाई, यस सही जवाब, ऑलराइट, ओके। और टाइटल क्या मिला था? मलका ए तरन्नम, ऑलराइट, ठीक है, बड़ा टाइटल है, मलका ए तरन्नम, क्या बात है, ओके। दिखाइए अगली वीडियो, दिखाइएगा। ओके ठीक है, अभी सवाल नहीं हुआ, उम्मीद सुबह जमाल रखना, अगला जुमला क्या है इस तरह का, किससे बजाय? ए ने जी, ख्याल रखना। दिखाइए क्या है जवाब, ठीक है या नहीं, प्ले कीजिए जरा, करेक्ट, ओके, चला दे, ठीक है, फिर मैं करता हूँ। ये कौन है जी? ये या फिर फ्रेम ही चेंज हो गया, जो दो खवातीन आ रही थी, बेंजामिन सिस्टर, राइट, ठीक है जवाब, ओके। और जो मरकजी सिंगर थे जी? आलमगीर साहब, ऑलराइट, जबरदस्त, ठीक है। ये तराना लिखा है ताहिर परवेज साहब ने या जमीलुद्दीन आली साहब ने? जी जमीलुद्दीन आली जी, गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए, ओके। सो 80-30 और 60, ये है सूरत हाल। वो जो एक नगमा है वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये लिखा है सहबा अख्तर साहिबा ने या मुझे बस अगले दो दिन ना मुझे माफ कर दे सारे, क्योंकि बहुत जो है ना जाग जाग के और गले की खस्तगी और अजीब हाल, वो मैंने ब्रेक लेते हुए शहरी के नशेदान में कह दिया कि मज़ाने मगरिब के बाद हाजिर होते हैं, अजान फजर का लिंक था, फिर मैंने कहा नहीं सॉरी भाई, अजान फजर। अच्छा अच्छा जी, ये जो नगमा है वतन की मट्टी गवाह रहना, ये सबसे पहले किसने गाया जी? नैयरा नूर साहब ने गाया, सही जवाब, ऑलराइट, ठीक है। इससे पहले कि हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ें, क्या ये हो सकता है आप तीनों किसी भी नेशनल सॉन्ग की एक एक लाइन गुनगुना दें, ठीक है, और उसमें फिर हम 10 नंबर दे देंगे किसी एक को, कोई मसला तो नहीं है इसमें, करें, हाँ जी, आ ए ए। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। ऑलराइट, ठीक है, जबरदस्त जनाब। बी, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक, वतन पाक, वतन पाक, वतन ऐ मेरे प्यारे वतन। राइट, ठीक है जनाब जी। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे, ये है सबसे वादा, कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूँ
सारी दुनिया ही ये चाहे दिल से। ओके सही है। नाथ खान हजरत पे एक नाजुक जिम्मेदारी आ गई आपके कंधों पर। बताएं भाई किन को इनमें से हम 10 नंबर देंगे? सबसे आप लोग आपका वोट है ए के लिए, आपका भी ए के लिए। ओके तो मैं अगले सी को दे दें। नहीं ठीक है चले 10 नंबर ए को मिलेंगे भाई। तालियां बजा दो। ओके सही। वाह भाई वाह, आज तो कमाल ही हो गया भाई। टीम ए है भाई। ओ भाई क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? सी को हार रहे हो जी जी। और आप तो मतलब मेरा कहना है आप तो बात ही ना करें तो अच्छा है ना। देखते हैं, कोई नहीं, तस्वीर दिखाएंगे। पहली 3 तस्वीर आपकी है। पार्टिसिपेंट बी जनाब दिखाइएगा पहली तस्वीर पार्टिसिपेंट बी को। ओफो, इससे आसान क्या हो सकता है भाई? कायद आजम। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली जनाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब। हाँ जी जौहर ब्रदरान 5-4 मौलाना मोहम्मद अली जौहर। यस सर, ठीक है जवाब। ओके ठीक है। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी अभिनंदन वाला तैयारा चले। स्क्वाड्रन लीडर नुमान अली या अहमद अली? नुमान अली। ठीक है जवाब। ऑलराइट ठीक है। चलो भाई अबू बकर हम कम से कम 0 तक तो ले आए, अब यहाँ से प्लस का सफर शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। चले भाई आपको दिखाएंगे अगली 3 तस्वीर सी को। चार्ली दिखाइए पहली तस्वीर। हाँ जी सर सैयद अहमद। ऑफ कोर्स ठीक है जा आगे बढ़िएगा। वो थे मौलाना मोहम्मद अली और ये हैं शौकत अली। राइट बिल्कुल ठीक। ओके और अगली आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। हसन अपना घोंसला खुद बनाता है, किंग कोबरा या हमिंग बर्ड? हमिंग बर्ड। गलत, वो सांप नहीं होता। कायद आजम की बेटी दीना वाडिया पैदा हुई 1919 या 1999? 1919। ठीक है, सहराओं की सरजमीन अफ्रीका है या पाकिस्तान? अफ्रीका। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाते टीम को मिले $4 करोड़ या $1 लाख? $4 करोड़। ठीक है आपका जवाब। ओके 11 सवाल आपके सही जवाब आते हैं, लेकिन पहले जरा आपका मामला खराब था। यहाँ आपने अच्छा खेला है, बुरा नहीं खेला, थोड़ा सा स्लो खेला है, थोड़ा तेज खेल सकते थे मेरा ख्याल है। अच्छा कोशिश कीजिएगा जवाब थोड़ा सा लाउड एंड क्लियर दीजिएगा ताकि रिपीट ना करवाना पड़े। आपके मैडम यानी कि सी के 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है जनाब अली। अब दुनिया की सबसे लंबी इमारत कुतुब मीनार या बुर्ज खलीफा? बुर्ज खलीफा। बिल्कुल ठीक। कौन सा जानवर है जो बगैर पैरों के तेज दौड़ता है, सांप या कछुआ? ठीक है। किस चीज के मुताबिक को मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेयर या अलजेब्रा? अलजेब्रा। गलत। दुनिया का सबसे तवील बर्फानी निजाम एंटार्क्टिका या पाकिस्तान? एंटार्क्टिका। ठीक है। किस मुल्क की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा, जापान या पाकिस्तान? जापान। ठीक है। ईरान का सबसे छोटा सूबा एल्बोर्स या न्यूटन? न्यूटन। गलत। दुनिया की सबसे बड़ी आबशार तकरीबन 3200 फीट या 30 फीट? 3200। ठीक है। किस मुल्क का कौमी तराना ज्यादा कदीम है, नेदरलैंड या मिस्र? नेदरलैंड। ठीक है। ब्लू माउंटेन्स ऑस्ट्रेलिया में है या इंडिया में? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक। जापान का कौमी फूल चेरी ब्लॉसम या गेंदे का फूल? चेरी ब्लॉसम। बिल्कुल ठीक। किंग ऑफ केमिकल नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? सेकंड। ठीक है। रुझान वाली किस शहर का पुराना नाम, बहावल नगर या कराची? बहावल वाली। ठीक है। शार्क मछली कितने समंदरों में पाई जाती है, 7 या 70? 70। गलत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सबसे पहला विजिट किया इंग्लैंड का या दुबई का? इंग्लैंड। ठीक है। इंग्लैंड में कौन सा निजाम हुकूमत है, सदारती या पार्लियामेंट्री? सदारती। गलत है जवाब। ओके कितने सवाल आपने सही जवाब देने?
10 to 12 देखते हैं, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है मैडम, बल्कि एक सेकंड मुझे दीजिएगा, उसके बाद में 60 सेकंड्स का वक्त शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए 30 सेकंड जरा चाहिए। अच्छा, मुझे जरा एक दो क्यू कार्ड मुझे और चाहिए होंगे, जरा बुलाइएगा, क्यू कार्ड मुझे एक दो और चाहिए होंगे जरा रैपिड के लिए। अच्छा जनाब, 140, 110 और 200, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इसका मतलब यह है कि आपको अगर जवाब जीतना है, अगर आपने मुकाबला, तो आपने देने हैं 7 मजीद सही जवाब, 7। ठीक है जी, चले, आपके 60 सेकंड्स का वक्त पार्टिसिपेंट ए शुरू होता है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा हीरों की पैदावार रूस या तुर्की? रूस। ठीक है, लैंड ऑफ प्योर पीपल अफगानिस्तान या पाकिस्तान? अफगानिस्तान। गलत। 20 रुपए के नोट के पीछे मोहनजोदड़ो है या मेमन मस्जिद? मोहनजोदड़ो। ठीक, फैसलाबाद को और किस नाम से पुकारा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान या यूके ऑफ पाकिस्तान? जी ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया 1940 या 1960? 1940। ठीक है, पाकिस्तान में नमक की इनमें से बड़ी कान कराची में है या जेहलम डिस्ट्रिक्ट में? कराची में। गलत। इस्ताना किस मुल्क के सदर की सरकारी रिहायशगाह को कहते हैं, तुर्की या सिंगापुर? तुर्की। गलत। कौन सा जानवर पानी के बगैर तकरीबन 17 दिन जिंदा रह सकता है, घोड़ा या ऊंट? घोड़ा। गलत। अंजुमन हिमायत इस्लाम के पहले सदर गुलाम अब्बास या खलीफा हिमायत? अब्बास। गलत। किस क्रिकेट टीम को WND चुके लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहते हैं, बांग्लादेश को या इंडिया को? इंडिया को। गलत। कौन सा खेल इनमें से इंडोर है, फुटबॉल या टेबल टेनिस? फुटबॉल। अरे गलत। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का इख्तियार किसके पास होता है, सदरे पाकिस्तान के पास या मेयर के पास? सदरे पाकिस्तान। ठीक है जवाब, ये क्या हो गया भाई, 190। अच्छा लेकिन ये है कि मैं एक सवाल ना दोबारा करूंगा, एक सवाल कर लूंगा, क्योंकि मैं भी जरा अटका था बीच में, तो मैं एक सवाल और करूंगा, अब देख लेते हैं कि उस वो हो गया सही तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बीच में एक जगह अटक गया था, तो मैं इसलिए एक सवाल और कर रहा हूं। अच्छा भाई, वो सवाल ये है कि इंसानी हुकूक का दिन हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को या 10 जनवरी को? 10 जनवरी को। गलत हो गया ये जवाब भी, आए हाय हाय हाय, ये इतना अच्छा खेलते खेलते आखिरी राउंड में क्या हुआ आपको भाई? ओहो डॉक्टर क्या हो रहा है शाहजहां रमजान में, टीमें आना छोड़ देंगी, कहेंगे भाई या तो आप इन्हीं से करवा लो डॉक्टर साहब से, या फिर हम नहीं आ रहे। मतलब एक टीम जीत रही है, उसकी जीत यकीनी है, उनको खाली 7 सवाल के सही जवाब देने थे, उन्होंने इंडोर खेल टेनिस या फुटबॉल, जाहिर है टेबल टेनिस आपने फुटबॉल कह दिया, खैर मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, ईजी, कोई घबराने की बात नहीं। आपका क्या कहेंगे जी, तुक्का लग गया बाजी का। चले भाई, तो बहरहाल 110, हमने इसीलिए एक सवाल और भी पूछ लिया ताकि कोई क्लैरिटी वो ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे कि भाई कोई ज्यादती ना हो जाए, एहतियातन मैंने पूछ लिया एक सवाल। चले जना, आपके नंबर है 110, आपके नंबर है 190 और इजी कलर की बाइक सेवेस्टन की वॉच है आपके लिए, डब्ल्यू पी हमानी की गिफ्ट हैम्पर सबके लिए, इजी कलर की बाइक है आपके लिए, 200 पॉइंट आपके। व्हाट अ कॉम्पिटिशन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।